Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 3rd. We will continue our chapter 9. How many times? How many times? Main जो है चीज़ सीखना क्या है हमें यहाँ से tables. Tables में कौन सा number कितने times count होता है? 3 की table है तो 3 plus 3 plus 3 होता जाएगा. 3 2 3 6 तो 6 times 3 को plus करेंगे. तो वही चीज़ हमने previous period में सीखी थी. Tables मैंने बताया था 2 क्या था. बट अब हम नेक्स्ट है पेज नंबर 127. पेज नंबर 127 में जंप विथ मेन, यहाँ पे फ्रॉग जो है वो जंप कर रहा है. तो वो कितने कितने जंप कर रहा है? 3 3 जंप, मतलब 1 नंबर से वो सीधा 3 नंबर. 3 से और कितना जंप करेगा तो हमें 3 3 ऐड करके जाना है. 3 से सीधा कौन से नंबर पे जंप करेगा? तो 6 नंबर से. और सीधा जंप करेगा मतलब बीच में सीधे 3 3 नंबर वो जंप कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे है तरु फ्रॉग जंप्स 3 steps each time. एवरी टाइम वो 3 3 स्टेप जंप करा. हम लोग तो चल के जाते हैं, हम जंप कर करके चलते नहीं, बट फ्रॉग जंप करके जा रहा है. तो वो सीधा 1 नंबर से 3 3 से 6 6 से 9 9 से 12 इस तरह से 3 3 3 स्टेप जंप कर रहा है. तो विच नंबर विल करू टच, तो कौन कौन से नंबर को वो टच कर रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो चलो मैं लिखती हूँ पहले कि तरु फ्रॉग जंप, तरु फ्रॉग जंप, तरु फ्रॉग जंप 3 steps each time. 3 steps each time. Time which number will Taru touch? Which number will Five.
15. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमें क्या करना है कि वो कितनी टाइम वो 3 जंप कर रहा है, तो 1 टाइम 3 करेगा तो 3 नंबर में, सेकंड टाइम 3 नंबर 3 जंप करेगा तो 6, थर्ड टाइम 3 जंप करेगा तो 9, 4 टाइम, मतलब ये हम करते हैं ना, 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 3, 2 टाइम 3 इज इक्वल टू 6, 3 टाइम 3 इज इक्वल टू 9, तो ये टाइम्स कितने टाइम 3, ओके तो प्लस 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 होता जाएगा, कितने प्लस होते जाएंगे, वैसे 3 की टेबल आएगी तो ये 3 कहाँ आएगा, आगे चला जाएगा, है ना, 3 बचा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इस तरह से आता है ना, बट यहाँ पे वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए 1 3 जा 3 करो या 3 1 जा 3 करो तो सेम ही आंसर है, 2 3 जा 6 करो या 3 2 जा 6 करो तो वो भी सेम है, 3 3 जा 9, 3 4 3 जा भी 12 रहता है एंड 3 4 जा भी 12 होगा, फिर 5 3 जा 15 करो या 3 5 जा करो तो 15 ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे वो कितने जंप किए जा रहा है तो 6 टाइम जंप करेगा जब तो 6 3 जा 18, 7 टाइम जंप करेगा तो 7 3 जा 21, फिर मैं ये रब करें ये सिर्फ मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ड्रॉ किया था, ओके यहाँ पे अभी 8 टाइम जब करेगा तो 8 3 जा 24 या 3 8 जा करो, 8 की टेबल नहीं आती है तो 3 8 जा करो तो भी सेम ही आंसर आएगा, फिर 9 टाइम 3 तो 9 3 जा 27, फिर 10 टाइम 3 तो 3 10 3 जा 30 या 3 10 जा 30 सेम ही आंसर आएगा, फिर यहाँ पे आगे भी है 11 3 जा तो क्या आएगा ये जो है, और एक इजी चीज आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी 11 3 जा तो 33 वो हमें पता है, यहाँ पे और एक चीज क्या हो रही है 3 3 ऐड हो रहा है, 24 में 3 ऐड करो तो कितने हो गए 27, 27 में 3 ऐड करो तो हो गए 30, 30 में 3 ऐड करो तो हो गए 33, अभी 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 जा 36, फिर देखो यहाँ 33 में 3 ऐड किया 33, 34, 35, 36 तो 36 आया, 33 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आएगा 39, 36 में 3 ऐड कर दो तो 36 के बाद 37, 38 एंड 39 तो यहाँ 39, फिर आएगा 40 मल्टीप्लाई 3, मतलब वो जंप किए ही जा रहा है, फ्रॉग को थोड़ी पता है कि चलो स्टॉप हो जाओ स्टॉप हो जाओ, नहीं फ्रॉग जंप करे जा रहा है कितने टाइम 15 टाइम उसने जंप किया तो 14 3 जा 42 क्या आएगा 42, तो यहाँ पे देखो 39 में और 3 ऐड कर दो तो 39 के बाद 40 41 एंड 42, फिर 50 मल्टीप्लाई 3 तो कितने हो जाएंगे 45, यहाँ पे और 3 ऐड कर दिया हमने तो 45 हो गया ना, तो ये 15 स्टेप जंप करा है 15 बार जंप करा है तो वो 15 नंबर पे आएगा या 45 नंबर पे, तो 45 नंबर पे आएगा क्योंकि वो एक साथ सीधे 33 नंबर जंप कर रहा है, कौन तरु फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स ईच टाइम व्हिच नंबर विल तरु टच, वो कौन से नंबर को टच करते जाएगा, तो 1 टाइम जंप करेगा तो 3, सेकेंड जंप में 6, थर्ड जंप पे आएगा 9, फोर्थ जंप पे आएगा 12, फिफ्थ जंप पे आएगा 15, सिक्स जंप पे आएगा 18, सेवन जंप पे वो 21 नंबर पे आएगा, वैसे ही 15 टाइम अगर वो जंप करेगा तो वो कौन से नंबर पे आ जाएगा 45 नंबर पे, और वो कौन से नंबर को टच करेगा तो वो बीच में 2 नंबर को टच करेगा नहीं, 4 नंबर को टच करेगा नहीं, वो सीधे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 एंड 40
45, ये नंबर को वो टच करेगा क्योंकि वो सीधे 3-3 स्टेप जंप कर रहा है, तो वो 3-3 स्टेप होते हुए वो 45 नंबर तक वो टच करेगा। अदर नंबर को वो टच नहीं करेगा। हमारा क्वेश्चन भी वही है कि विल तरु विच नंबर विल तरु टच, कौन कौन से नंबर को वो टच कर रहा है, तो जो हमारा आंसर आता है उस नंबर को तरु टच कर रहा है। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं सेकंड पेज पे। ये वैसे एकदम इजी है, आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है क्या कि जो नंबर जितने स्टेप वो जंप करता है वो टेबल होती है और उसी की टेबल के अकॉर्डिंग हमारा ये स्टेप आगे कंटिन्यू होगा। ओके, अभी वो क्या कर रहा है, शो जंप विद 4 स्टेप, अभी वो 4-4 स्टेप जंप कर रहा है, तो कैसे होगा, तो वो हम करते हैं यहाँ पे हम ये रहने ही देते हैं, हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। ओके, ये हम पहले आप ये लिख दो, आपका ये कंप्लीट हो जाए, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपका ये कंप्लीट हो जाए देन मैं ये राउंड कर दूंगी। यहाँ पे 3-3 स्टेप के जंप के अकॉर्डिंग कौन से नंबर आएंगे, अभी हम 4-4 स्टेप के अकॉर्डिंग वो कौन से नंबर पे जाएगा वो हम लिखते हैं। ओके, तो ये मैं रब कर रही हूँ, स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 4 और मैं इस स्टेप का सिर्फ रब करती हूँ। या फिर 4 8 32 8
9 4 36, फिर 10 4 40, 11 4 44, 12 4 48, 13 4 52, फिर 14 4 56, फिर 15 4 60, 15 4 क्या हो जाएगा 60। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें अच्छे से पिक्चर बनाई हुई है, तो वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में, अपने सॉरी नोटबुक में अच्छे से उसी तरह से पिक्चर बना के करोगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज मैंने जैसे लिखा है उस तरह से लिखोगे तो भी बेटर है, बट इम्पोर्टेंट क्या है, लिखना समझना। ओके, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट स्टेप जो हमने किया वो 3-3 जंप करते थे, सेकेंड स्टेप जो है वो 4-4 जंप कर रहे हैं, तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं, वो मैं आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग कराती हूँ। ओके, तो आपको क्या होता है कि अच्छे से आप सारी चीजें समझ जाओ। ट्राई जंप विथ 7 स्टेप। अभी आप सोचोगे रैबिट है, कैट है, स्क्विरल है, तो वो फ्रॉग से बड़ी है ना, तो वो सीधे ज्यादा जंप कर सकती है। ओके, तो हम यहाँ पर अभी क्या करते हैं, 7 स्टेप जंप्स विथ 7 स्टेप। मैं ये रॉक कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं वन टाइम फिर से रिपीट कर देती हूँ, फ्रॉग तरु फ्रॉग जंप्स 4 स्टेप्स ईच टाइम विथ नंबर विल तरु टच, विच नंबर विल तरु टच। तो अगर वो 4-4 स्टेप जंप करेगा तो वो कौन से नंबर टच करेगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, जैसे मैंने बताया था कि उसकी रेस यहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो 4 स्टेप यहाँ, यहाँ से सीधा 8, 8 से सीधा 12, 12 से सीधा 16, इस तरह से वो सीधे मीडल वाले ये नंबर वो टच नहीं करेगा, वो कौन से नंबर टच करेगा जहाँ पे वो सीधा 4-4 जंप करेगा, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड 60, तो इस तरह से ये नंबर वो टच करता जाएगा। चलो ये लिख लिया होगा, मैं लॉक कर देती हूँ। जंप्स विथ 7 स्टेप्स ओके, 7-7 स्टेप वो जंप कर रहा है, तो चलो देखते हैं। अभी 7-7 है, तो अगर वो 0 से, मैं यहाँ पे लिखाई देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो इस तरह से नंबर। ओके, तो अगर वो रेस यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा, कितने जंप करने हैं, 7, कितने 7-7 जंप। ओके, तो 7-7 स्टेप वो अगर जंप करेगा तो वो सीधे कौन से नंबर पे पहुंचेगा, यहाँ पे आप पकड़ लो कि अभी रैबिट है, तो रैबिट तो थोड़ा लॉन्ग जंप करेगा ना, तो रैबिट यहाँ से सीधा 7, बीच के 1 से 6 नंबर को वो टच ही नहीं करेगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा 7 नंबर, 7 नंबर से सीधा 14, है ना, 7 2 14, अगर 7 की टेबल नहीं आती है तो क्या करना है, 7 में 7 ऐड कर देना है, 7 है ये, 7 है, 7 में 7 ऐड करते जाओ, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ओके, तो 14 नंबर में पहुंच जाएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में तो आप इस तरह से सीधा सीधा काउंट करो, 7 है तो फिर से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 आएगा तो 14 के ऊपर 70 कर दो, फिर आगे काउंट करते जाओ, 70 करते जाओ, फिर आंसर आप इजीली भर पाओ। चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे
बनाया गया है, बॉक्स बनाए गए हैं, तो मैं उस तरह से ही करती हूँ। ओके यहाँ के ऐसे हैं 1 × 7 2 × 7 इससे क्या होगा, एक्टिविटी भी होगी और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, है ना। आप उस आपको ये बना बॉक्स बनाते बनाते करोगे तो आपको बॉक्स बनाना भी अच्छा लगेगा एंड आपको जो मैथ्स है वो बोरिंग नहीं लगेगा, अच्छे से करने में मजा भी आएगा। ओके मैं ये ऐसे कर देती हूँ। अगर हम इसको पकड़े
नंबर है 130. क्या? पेज नंबर 130. स्टिक प्ले, स्टिक से प्ले कर रही है. मिंटू हैज सम स्टिक, सी अरेंज दैट लाइक दिस. इसने स्टिक को किस तरह से अरेंज किए, पहले आप लिख लो ये, तो मैं दूसरा आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि उसने स्टिक को किस तरह से अरेंज किया. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे मीठू हैज सम स्टिक, सी अरेंज देम लाइक दिस. तो उसने स्टिक को अरेंज किया है, यहाँ पे स्टिक प्ले. क्या है मैंने टॉपिक? स्टिक प्ले. स्टिक प्ले, तो उसने अरेंज कैसे किया है, तो मैक्स स्टिक आपको पता है, पहले तो उसने स्टिक रख दी है ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5. कितनी स्टिक रखी है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. वो लंबी वाली स्टिक उसने रख दी. फिर उसको बॉक्स बनाने हैं, तो वो कैसे बॉक्स बना रही है? तो इस तरह से मैक्स स्टिक रख रही है. मैक्स स्टिक ऐसी आती है ना, 2, 3, 4, 5. मैक्स स्टिक हो रही है 1. मतलब ये 5 ही है, 1, 2, 3, 4, 5. तो स्टिक भी वो 5-5 रख रही है. ओके, 5 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5. फिर से 1, 2, 3, 4 एंड 5. फिर से कर रही है 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 लाइन हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5. एंड ये हॉरिजॉन्टिकल एंड वर्टिकल दोनों लाइन कितनी है? 5-5. दोनों लाइन कितनी है? 5-5. तो उसने पहले तो 5 स्टिक ऐसे ली, मैक्स स्टिक उसने इस तरह से रख दी. क्या रख दी? मैक्स स्टिक. ओके, अरेंज इस तरह से की, मतलब 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5. क्या बोल क्या हुआ? 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5. तो ये एक लाइन है, मतलब फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन है. तो फर्स्ट लाइन में उसने कितनी रखी? 5. तो टोटल मैक्स स्टिक कितनी है? 5. 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5. फिर सेकेंड टाइम करेंगे तो ये 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? कि ये मैच, यहाँ पे क्या करना है, उसने कितनी मैच स्टिक यूज की. ओके, कितनी मैच स्टिक यूज की. ओके, तो सेकेंड लाइन में ये तो 5 हो गई, अभी सेकेंड लाइन में भी कितनी है? 5. तो 2 टाइम 5. 1 टाइम उसने 5 मैच स्टिक रखी, अभी सेकेंड टाइम भी 1, 2, 3, 4, 5 मैच स्टिक रख दी, तो कितनी हो जाएगी? तो 2 5 10 10 हो गई. फिर 3 टाइम 5 है, तो कितनी हो जाएगी? 15. कितनी हो जाएगी? 15. फिर 4 टाइम 5 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? और 5 ऐड कर देना है तो हो जाएगी 20. फिर 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25. कितना हो जाएगा? 25. तो देन शी काउंट हाउ मैनी टाइम्स द स्टिक वेर क्रॉसिंग ईच अदर. शी फाइंड आउट 4 टाइम 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 और 20.
20 स्टिक। तो यहाँ से ये भी हो जाता है कि कितने स्टिक उसने यूज की और टेबल भी कंप्लीट होता जाएगा। तो ये आपको ड्रो करके जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको भी लिखना है। ओके आप लिखो, मैं दूसरा कराती हूँ। तो ये आपने लिख लिया होगा। अभी ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।